उत्तर प्रदेश की जनपद बहराइच में पोषण माह अंतर्गत आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा द्वारा एक दिवसीय महिला प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में उन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों महिला कृषकों जिनके वहाँ पोषण वाटिका का निर्माण होना है उनको पोषण वाटिका की स्थापना के महत्व के बारे में प्रशिक्षित किया गया। यह कार्यक्रम ICRKV के IFFCO की से आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक डॉक्टर घनश्याम सिंह रहे। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों महिला कृषक को बताया कि सब्जियों में पाए जाने वाले विटामिन प्रोटीन एवं खनिज पदार्थों से बहुत से रोग नष्ट हो जाते हैं। पोषण वाटिका रसोई घर बाग या फिर गृह वाटिका को कहा जाता है जो घर के अगल बगल आंगन खुली जगह पर होती है जहां पारिवारिक श्रम से विभिन्न मौसम में फल तथा विभिन्न सब्जियां उगाई जाती हैं। आजकल बाजार में बिकने वाली चमकदार फल सब्जियों को रासायनिक उर्वरक प्रयोग करके उगाया जाता है जो हानिकारक है। मुख्य अतिथि द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों की विस्तार रूप से जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि विज्ञान केंद्र क्षेत्र पर नवीनतम प्रजातियों के बीज उत्पादन किए जा रहे हैं। उप निदेशक रेशम डॉक्टर SP सिंह ने महिला प्रशिक्षण अंतर्गत जैविक सब्जियों के उत्पादन को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। DDM नाबार्ड ने महिला कृषकों को समूह बनाकर सब्जियों की खेती के बारे में जानकारी दी। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर सूर्य बली सिंह ने संतुलित आहार के बारे में बताया। कार्यक्रम में LDM एवं आगा फाउंडेशन के लोग मौजूद रहे। प्रबंधक MP बर्नवाल जी, वो ये बतावे कि इस कार्यक्रम के उसमें क्या कर रहे हैं आप? नाबार्ड जो है उसका मुख्य कार्य है पूरे देश में गरीब और किसान के विकास के लिए कार्य करना। तो हम लोग जो है पूरे जनपद में हम लोग चाहते हैं कि एक एक गरीब महिलाओं का, एक एक जो किसान है उनका जो है उचित उनके इनकम उत्पादन का जो लाभ मिले और उनके जीवन स्तर में व्यापक सुधार हो। और इसीलिए हम लोग जो है पूरे ज़िले में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से और पौधारोपण के माध्यम से बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जिसके उनके जीवन में जो है काफ़ी। आपसे संबंधित कितने जो है सहायता समूह बने हैं ज़िले में? जिले में करीब 20,000 स्वयं सहायता समूह पहले से नाबार्ड के माध्यम से बने हैं और कई समूह इतने अच्छे हैं जो कि उनके पास खुद का जो है 5-5, 8-8 लाख रुपए जो है डिपॉजिट है अपने समूह। थैंक यू। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को पोषण दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसमें हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र नानपारा पर यहाँ प्रक्षेत्र पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और हमारे मुख्य अतिथि कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष महोदय के अध्यक्षता में और विशिष्ट अतिथि DDM साहब और हमारे केंद्र के हेड डॉक्टर BP साही जी और आगा खा फाउंडेशन की मैडम निर्जा और उपस्थित हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोगी स्टाफ सबके सहयोग से ये पोषण किट जो IFFCO और ICR के सौजन्य से जो प्राप्त हुआ है ये सभी महिलाओं को जो आंगनबाड़ी कार्य करती हैं इनको इस उद्देश्य से दिया जा रहा है और सुबह से इनको ये प्रशिक्षित किया जा रहा है कि पोषण वाटिका बना करके एक आदर्श पोषण वाटिका बनावें जिससे कि अगल बगल की महिलाएं भी उससे प्रभावित हों और बनाएं। और किया गया है यही हम लोग पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे बीच मौजूद हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख और कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष श्री घनश्याम सिंह जी। चूंकि किसान ये स्वयं हैं, बड़े किसान हैं, तो ये बतावें कि आज ये कार्यक्रम में जो PM का जो जन्मदिवस है उस पर ये कार्यक्रम जो है उसमें ये क्या कर रहे हैं? धन्यवाद। आज के उस अवसर पर आदरणीय मीडिया के बंधुओं को अपने सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस की बधाई देते हुए मैं कृषि विज्ञान केंद्र पर जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और क्षेत्र की तमाम महिलाएं जो समाज निर्माण और समाज के विकास के लिए लगी हुई हैं उनको जो शिक्षित प्रशिक्षित और उत्साहित करने का काम किया गया है इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और उस महापुरुष के अच्छी शुभकामना तभी होगी जो हम लोग सब जुटकर जिसने देश को अच्छी दिशा में ले जाने का काम किया है उसके
सहयोग करते हुए समाज को भी अच्छा बनाने का काम करें। पोषित कुपोषण कहीं देश में रह न जाए, इसके लिए संकल्प लेकर काम करने का प्रयास करें। कुपोषण के अलावा जिले में कोई साक्षर सफाई कार्यक्रम भी चल रहा है? हाँ, हमारी पार्टी की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो भी समाज में रुचि रखते हैं कार्यों में, सभी लोग इस महापुरुष के जन्मदिन के अवसर पर अच्छा काम करने की प्रेरणा लेते हुए समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। नहीं, पिछले वर्षों में बहुत एक अभियान के तौर पर स्वच्छता अभियान चला था पीएम के जन्म दिवस पर, इस बार क्या हो रहा है? आज भी पूरा सप्ताह, ये 17 तारीख से एक सप्ताह का संकल्प लिया है पार्टी कार्यकर्ताओं ने और सभी सामाजिक लोगों ने कि हम इस सप्ताह के कुपोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए स्वच्छता है और सभी अभियान के रूप में चलाएंगे और समाज को सुदृढ़ करने का काम करें। थैंक यू। अखंड भारत न्यूज के लिए शकील अंसारी की रिपोर्ट, बहराइच।